अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आजम फ्रॉम टेक्निकल फॉर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जैस कैश का जो है एटीएम कार्ड हासिल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इस तरह का कहां से हासिल कर सकते हैं ये भी बताऊंगा, किस तरह से हासिल कर सकते हैं, कितने पैसों में कर सकते हैं, इसकी सर्विसेज क्या है, आपको सभी डिटेल मिलेगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल वाले आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी इसके मुताबिक जो भी अच्छी अच्छी वीडियोज होती हैं, टेक्नोलॉजी वीडियो, सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं जैस कैश की। सबसे पहले ये बता दूं, जैस कैश सर्विस है क्या? जैस कैश सर्विस जो है उसका जो पाकिस्तान में फायदा क्या, आप उससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अपने यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं, अपने इंटरनेट का बिल पे कर सकते हैं, किसी को अदर जैस कैश में पैसे भेज सकते हैं, उससे पैसे मंगवा सकते हैं, अपने मोबाइल में टॉप अप कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, अपनी ईवो में लोड कर सकते हैं, उसके बाद आप किसी भी बैंक में पैसे भेज सकते हैं, किसी भी बैंक से पैसे मंगवा सकते हैं बहुत ही कम टैक्स में। उसके बाद उसकी सर्विसेज क्या हैं कि आपको उसका मिल जाता है एक 250 रुपए की या 300 रुपए मालियत का जैस कैश का एटीएम कार्ड, तो बहुत ही अच्छी बात है, बगैर वो बैंकों के चक्कर लगाए। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल से डायल करना है *786# अपनी जैस सिम से। जब आप डायल करेंगे तो वहां पे अगर आपका पहले से अकाउंट जैस कैश बना हुआ है तो बेहतर है, जो नहीं बना हुआ तब आपका जैस कैश अकाउंट बन जाएगा। वहां पे आपसे पूछेगा आपका नेम या फिर आपका आईडी कार्ड नंबर। तो जिस सिम पे, इस पे भी ये भी जरूरी नहीं है कि सिम अगर आपके नाम पे खुद पे हो तो बनेगा, नहीं, आपके पापा के नाम, आपके भाई के नाम, किसी के भी नाम सिम है तो चलेगा भाई। ठीक है, तो सिम पे आप बना लेंगे फौरी आपका जो है जैस कैश अकाउंट। तो उसके बाद आपको एटीएम कहां से मिलेगा, आपने जाना है किसी भी जैस रिटेलर के पास, वहां पे उसको कहना है कि हमें चाहिए जैस का एक जैस कैश का एटीएम कार्ड। तो आपके अकाउंट में 300 रुपए होना लाजमी है, आप अपने अकाउंट में 300 रुपए करवा लेना जैस कैश शॉप से। तो आप नकद पैसे नहीं दे सकते, आपके पास 300 रुपए अकाउंट में होना लाजमी है, खुद ही वो आपके अकाउंट में से कट जाएंगे, तो आपको एक मिल जाएगा ये जैस कैश एटीएम कार्ड। अब इसको एक्टिवेट कैसे करना है, वो आपको फौरी एक फ्लैश मैसेज आएगा उनकी तरफ, जब आप खड़े होंगे वहीं पे तो आप वहां पे यहाँ पे अपना लगाएंगे कोड, उसके बाद आप अपना कोड मॉडिफाई कर सकते हैं *786 जो है डायल करके, वहां से आप अपनी सेटिंग्स जो सारी हैं दे के अपना कोड चेंज कर सकते हैं, एटीएम ब्लॉक कर सकते हैं, काफी सारी सर्विसेज कर सकते हैं। उसके बाद इसका क्या फायदा होगा, अगर आप इसमें रखते हैं 1000 रुपए तो उसके पीछे आपको देना पड़ेगा 17 रुपए टैक्स, 15 रुपए कार्ड का बैंक का टैक्स और 2 रुपए विद होल्डिंग टैक्स आपको देना पड़ेगा। मतलब 1000 रुपए का आपको जो टैक्स टोटल ले देके पड़ेगा वो पड़ेगा 17 रुपए। तो बहुत ही अच्छी सर्विसेज है, इससे आप बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं भैया। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी चीज है, मतलब कि जो अभी जिनका भी आईडी कार्ड नहीं है, उनके बब्बू के नाम या भाई के नाम सिम है, वो बनाए अपना जैस कैश अकाउंट और फिर जो चाहे करें। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज आजम, अल्लाह हाफिज़।